वकालत का लाइसेंस जो है वो बार काउंसिल मुअत्तल कर चुकी थी और फिर उसको बाद में बहाल भी किया गया, आज क्या स्टेटस देख रहे हैं फरोग नसीम का? फरोग नसीम साहब का स्टेटस ये है कि उनका लाइसेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ सस्पेंडेड, जब तक उनका लाइसेंस रिस्टोर नहीं होता वो वकालत नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम आज ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में इस पर एतराज़ भी करेंगे और हम बताएंगे कि ये जो अगर सस्पेंडेड लाइसेंस के साथ उन्होंने वकालत की तो ये काबिल ताज़ीर जुर्म है, इसकी एक साल सज़ा है इसकी, कि जो शख्स अपने सस्पेंड लाइसेंस उसका हो और वो प्रैक्टिस करेगा या वकालत करेगा तो उसकी सज़ा एक साल है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू शाह जी।